अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन वोकेबलरी के बारे में, कि किन वर्ड से आपको पता चलता है कि कोई भी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो एडिशन का है या नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको एडिशन के लिए यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक ऐड, ऑल टुगेदर, बोथ, कॉम्बाइंड, हाउ मैनी, इंक्रीज, ज्वाइन, प्लस, सम, टुगेदर, टोटल। ये तमाम वर्ड्स एडिशन की वोकेबलरी में आते हैं। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हमें उस वर्ड प्रॉब्लम में अगर कोई भी इन वर्ड में से एक वर्ड आपको नज़र आता है तो आपको पता चलेगा कि वो वर्ड प्रॉब्लम एडिशन का है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के वोकेबलरी की। तो सब्ट्रैक्शन के वोकेबलरी में आता है डिटेक्ट, डिक्रीज बाय, डिफरेंस, हाउ मैनी मोर, हाउ मैनी लेफ्ट, लेफ्ट ओवर, लेस देन, माइनस, रिड्यूस, रिमेन्स, रिमूव, सब्ट्रैक्ट एंड टेक अवे। सो अगर आपको सब्ट्रैक्ट के वर्ड प्रॉब्लम को समझना है कि वो वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन का है, तो आपको ये वोकेबलरी याद करनी होगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम जो है आपका एडिशन का। इट इज़ एस्टिमेट दैट 27,758 पीपल लिव इन जैनीज कंट्री एंड 28,846 पीपल लिव इन रिपली कंट्री। वाट इज़ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ बोथ कंट्रीज कॉम्बाइंड। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि 27,758 पीपल्स जैनीज कंट्रीज़ में रहते हैं और 28,846 पीपल रिप्ले कंट्री में रहते हैं। तो आप ये बताएं कि दोनों कंट्री को मिला के उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है कॉम्बाइंड का। जैसा कि हमने पढ़ा था एडिशन की वोकेबलरी में, यहाँ पे कॉम्बाइंड वर्ड था। तो आपको इस वर्ड से पता चला कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये एडिशन का है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो जेनी कंट्री के पीपल थे उनकी नंबर लिखेंगे, यानी कि 27,758। देन नीचे उसी के नीचे आपको पीपल ऑफ रिपली कंट्री के लिखने नंबर लिखने होंगे, यानी 28,846। अब हम इनको करेंगे एडिशन। तो एट और सिक्स हमेशा आपको पता है कि जो एडिशन है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, राइट साइड से स्टार्ट होती है। एट और सिक्स हो जाएंगे 10, 10 का 4 नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर। 5 और 4 हो जाएंगे 9, 9 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का 0 नीचे, 1 चला जाएगा ऊपर। सेवन और एट होते हैं 15, 15 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का 6 नीचे, 1 चला जाएगा ऊपर। एट और सेवन होते हैं 15, 15 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का 1 चला जाएगा ऊपर। 2 और 2 4 और 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5। तो दोनों कंट्रीज़ की जो मिला के पापुलेशन हुई वो 56,604 रही। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द एस्टिमेटेड पापुलेशन फॉर बोथ कंट्रीज कॉम्बाइंड इज़ 56,604 पीपल। अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। विंसेंजो हैज़ 1,215 स्पोर्ट कार्ड्स इन हिज कलेक्शन। 548 कार्ड्स आर फुटबॉल कार्ड्स एंड रेस्ट आर
बेस बॉल कार्ड्स, हाउ मैनी बेस बॉल कार्ड्स डज ही हैव? तो कह रहा है विंजो के पास 1200 स्पोर्ट्स कार्ड्स हैं, जिसमें से 540 कार्ड्स फुटबॉल के हैं, तो बताएं बाकी जो हैं बेसबॉल के कितने कार्ड्स रह गए। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है हाउ मैनी, और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है रेस्ट, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये सब्ट्रैक्शन का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपके स्पोर्ट्स कार्ड्स हैं टोटल, पहले वो आप लिखेंगे 1215, फिर नीचे आप लिखेंगे फुटबॉल के कार्ड्स जो हमारे पास हैं 548। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो 5 में से 8 को माइनस करें तो वो माइनस नहीं होता, तो 1 हमने कैरी लेके दिया 5 को, तो वो हो गए 15। अब 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 7। अब जो हमने 1 लेके दिया था वहाँ पे रह गया था 0। अब 0 में से दोबारा 4 को माइनस नहीं कर सकते, तो हमने 1 लेके दिया 7 वाले से, तो हो गया 10। 10 में से 4 गए तो बचे 6। दोबारा जहाँ हमने 1 लेके दिया था तो वहाँ पे ऑलरेडी रह गया था 1। अब 1 में से 5 नहीं जा सकता, तो राइट वाले 1 से हमने जब लेके दिया तो वो हो गए 11। अब 11 में से 5 गए तो बचे 6। अब लास्ट में जब हमने कैरी लेके दिया था तो वहाँ पे 1 की जगह रह गया था 0, तो 0 का 0 ही रहता है। तो इस तरह जो हमारी वैल्यू आई वो आई 667, यानी कि बेसबॉल कार्ड्स 667 हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विंसेंजो हैज़ 667 बेसबॉल कार्ड्स। इसी तरह भी आपके मैथ के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं दो, इन्हें आपको अपने होमवर्क वाली कॉपी पे सॉल्व करना है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।